प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में आज दूरदर्शन किसान चैनल का उद्घाटन करेंगे। चैनल किसान और गांव में रहने वाले लोगों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उसके बाद करनाल में एक जन रैली को संबोधित करेंगे। वे लोगों को मोदी सरकार के इस साल की उपलब्धियां बताएंगे। दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने आज और कल दो दिनों का विशेष सत्र बुलाया। विधानसभा के इस विशेष सत्र में गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड ने काला धन मामले में कई नामों का खुलासा किया। नामों में दो भारतीय महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरा महारैली में अपनी सरकार के 365 दिनों का हिसाब दिया है। मोदी ने कहा कि देश के बुरे दिन खत्म हुए। उन्होंने कहा कि आज जहां 12 रुपए में कफन नहीं मिलता, उनकी सरकार 12 रुपए में सालाना पर गरीबों को जीवन रक्षक बीमा दे रही है। मुख्यमंत्री राजे ने केंद्र की एनडीए सरकार की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। सीएम ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश में महंगाई पर अंकुश लगाने के साथ ही विकास दर बढ़ोतरी हुई है। आसाराम की चौथी जमानत अर्जी पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। आसाराम की ओर से बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पैरवी करेंगे। दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पर अपना कैबिनेट ओपन कैबिनेट की। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद बहुत काम हुए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री ने अपने सुरक्षाकर्मी को अपने नौकर के तरह इस्तेमाल किया। योजना विकास मंत्री रजपाल सिंह अपने सुरक्षाकर्मियों से जूते के फीते बंधवाए। कोटा में धरने के दौरान संबोधित करते कांग्रेस नेता माहिर आजाद ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री राजन ने आपात बैठक बुलाकर गुर्जर आंदोलन की समीक्षा की। बैठक बाद आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्नल बैंसला को जयपुर आकर बातचीत करने के लिए कहा, लेकिन सरकार का प्रयास सफल नहीं हो पाया। हनुमानगढ़ नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई है। बैठक में 26 मुद्दों पर चर्चा हुई। बाईपास के निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई। कोटा में युवती के साथ नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, आरोपी ने दुष्कर्म की अश्लील क्लिप भी बना ली है। लालनों की डाबी रोड पर एक बस्ती में खाना बनाते वक्त आग लग गई। आग से दो झोपड़ी जलकर राख हो गई। भरतपुर के सीकरी के पुलिस चौकी में आग लग गई। आग लगने से चौकी में रखा सारा हथियार जल गया। हथियारों में 6 SLR और 1 स्टेनगन जल गई है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ पोस्ट ऑफिस के उप डाकपाल समेत डाकघर एजेंट पर लाखों के ठगी का मामला दर्ज हुआ, लेकिन कई दिन बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। नागौर पुलिस ने पिता के पीट पीटकर हत्या करने वाले बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे एक दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया है। बूंदी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 14 बाइक बरामद की है। कोल्ड ड्रिंक कंपनी लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। झुंझुनू के चिड़ा कस्बे का है, जहां कोल्ड ड्रिंक के बोतल में गंदा कपड़ा और मरी हुई कीट निकली है। मेरता सिरे में नगर पालिका के अनदेखी के चलते पालिका के करोड़ रूपये की बेशकीमती जमीनों पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और जमीन पर धड़ल्ले से निर्माण करा रहे हैं। अक्षय ने ट्विटर पर एक सेल्फी ट्वीट किया, जिसमें वो शर्टलेस नजर आ रहे हैं। अपनी शानदार फिटनेस ले जाने वाले खिलाड़ी कुमार ने फिल्म ब्रदर्स के लिए बॉडी बनाई है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने फिल्मों की लिस्ट बताई, जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है शाहरुख और सलमान खान की फिल्मों के नाम। मॉडल अभिनेत्री बनी पूजा हेगड़े ने फिल्म मोहन जोदड़ो का शूटिंग शेड्यूल पूरा कर लिया है। मोहन जोदड़ो एक एपिक एडवेंचर रोमांस ड्रामा है। करीना कपूर खान हाल ही में कश्मीर में फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग खत्म कर वापस लौटी। उन्होंने फिल्म में अपने पहने कपड़ों को कश्मीर की लोकल लड़कियों को दान कर दिया। रणवीर सिंह ने अपनी को स्टार अनुष्का शर्मा की दिल खोलकर तारीफ करते हुए कहा कि उनमें अभिनेत्री और शख्स के रूप में निखार आया है। रणवीर और अनुष्का की फिल्म दिल धड़कने दो नजर आएंगे।